और अब बात शीना मर्डर केस की। इस मर्डर केस में इंद्राणी की खामोशी के आगे मुंबई पुलिस के पसीने छूट गए। 13 दिनों से लगातार पूछताछ के बावजूद पुलिस अब तक इंद्राणी से गुनाह कबूल करवाने में नाकाम रही, जबकि कल इंद्राणी समेत तीनों आरोपियों की पुलिस हिरासत खत्म हो रही है। 13 दिनों की लंबी पूछताछ में भी जब इंद्राणी कड़े सवालों के आगे नहीं टूटी तो उसे लेकर खार थाने से उसके घर वर्ली पहुंच गए पुलिस, इस उम्मीद से कि वहां कोई सुराग मिल सके। करीब घंटे भर वर्ली वाले घर में पूछताछ के बाद पुलिस इसे दोबारा थाने ले आई। इससे पहले इंद्राणी के वकील गुंजन मंगला से मिलने खार थाने पहुंची थी। मुंबई पुलिस के लिए आज की रात सबसे लंबी रात साबित होने वाली है। शीना मर्डर केस के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय का पुलिस हिरासत में कल आखिरी दिन है। इतनी लंबी पूछताछ के बाद इस बार आसार कम है कि तीनों आरोपियों की पुलिस हिरासत बढ़ाई जाएगी। ऐसे में पुलिस के लिए पूछताछ का ये आखिरी दिन है, लेकिन 13 दिनों से लंबी पूछताछ और तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद पुलिस मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी से गुनाह कबूल करवाने में नाकाम साबित हुई। इंद्राणी के दूसरे पति और कत्ल में सह आरोपी संजीव खन्ना के वकीलों का तो ये भी साफ कहना है कि संजीव ने भी गुनाह नहीं कबूले हैं। सवाल उठता है कि जब मुख्य आरोपियों ने ही गुनाह नहीं कबूले तो चार्जशीट क्या तैयार करेगी मुंबई पुलिस? कत्ल का मकसद कैसे पता करेगी पुलिस? अब सब कुछ फॉरेंसिक और डीएनए जांच पर निर्भर होता दिख रहा है, जिसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। शीना बोरा के कत्ल में चौथे किरदार की मौजूदगी की आशंकाओं के बीच इस मामले की तफ्तीश अब पूरी रफ्तार पर है। इंद्राणी मुखर्जी समेत तमाम मुलजिमों का पुलिस रिमांड सोमवार को पूरा हो रहा है और उन्हें अदालत में पेश करने से पहले पुलिस इस कहानी की तमाम कड़ियों को आपस में जोड़ लेना चाहती है। इसी सिलसिले में नए सिरे से तलाशी के लिए मुंबई पुलिस इंद्राणी मुखर्जी को उसके घर लेकर पहुंची। इस बीच शीना मर्डर केस में चौथे किरदार की एंट्री हुई है। पुलिस ने मुखर्जी परिवार के पूर्व बॉडीगार्ड सुजीत सरकार से पूछताछ की है। सुजीत पर लाश निपटने में और वारदात छिपाने में मदद का शक है। वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ सुप्रतिम बनर्जी, मुंबई आज तक।